हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको i20 की डिब्बी i10 में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि हम i20 की डिब्बी i10 में कैसे चला सकते हैं, और i20 और i10 की डिब्बी पहचानने में आपको दिखाता हूं मैं क्या होगा। ये हमारी i10 की है, इसमें रेजिस्टेंस देख लीजिएगा आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये i10 की है, ये तीन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रही हैं, रेजिस्टेंस हो गई, और जो ऊपर मॉसफेट लगे हुए हैं तीन मॉसफेट लगे हुए हैं और ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें i20 में ऐसा नहीं लगा हुआ कुछ भी। ये i20 है, इसमें हार्डवेयर कम है इसका, जिसकी वजह से ये इसमें i10 में काम नहीं करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों डिब्बियाँ लगा करके इसमें, फिर उसके बाद इसमें हार्डवेयर पूरा करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। और i20 में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये i10 की है, तो ये i20 की है, ये इसका कपला टूटा हुआ है हल्का सा। मैं आपको यही डिब्बी चला दिखाऊंगा इसमें, ये i20 की है, i10 में कन्वर्ट करूंगा इसको, हार्डवेयर जितना कम है इसमें पूरा करके। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डिब्बी काम कर रही है नहीं कर रही है। पहले ये i10 वाली लगाता हूँ, इसमें PA लगता है, i20 में PB होता है, और i10 में ये होता है PA पार्ट नंबर होता है, i20 में PB होता है। ये यहाँ इसकी डिब्बी लगी हुई है, आपको पार्ट नंबर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आइटम में PA लगा होता है पार्ट नंबर। ठीक है, अब इसको मैं तीनों कपड़ा निकालूंगा। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, ये जो दो बार लगी हुई है, पहली वाली इसमें 12 बोल्ट और ग्राउंड आता है, और इससे इनपुट निकलता है मोटर के लिए। बाकी जो वायर लगी हैं टॉक सेंसर की हैं, कैन हाई कैन लो की हैं, इग्निशन आता है और ग्राउंड आता है। तो मैं इसे कपड़ा निकाल देता हूँ। अब ये वाली लगाऊंगा मैं, जो बिना कपड़ा टूटे हुई है, ये i10 की है, जो हार्डवेयर यहाँ पे लगा हुआ है इसका, तो इसमें लगाता हूँ अभी से। फिर बाद में इसे कन्वर्ट करूँगा i10 की डिब्बी में। ये लगा दिया, न्यूट्रल दे। ये हमारा स्टीयरिंग काम करने लगा, डिब्बी बोलती है कट। ओके, देखिए ये हमारा स्टीयरिंग काम कर रहा है, कोई लाइट नहीं है मीटर में। ठीक है, अभी मैं आपको i20 लगा कर दिखाता हूँ। ये निकाल लेता हूँ इसमें से, ये निकाल लिया। अब ये वाली है i20 की, तो मैंने आपको बताया था हार्डवेयर इसमें कम है। ठीक है, अब इसे लगाता हूँ। ये लगा दी मैंने i20 की डिब्बी, कपला टूटे हुए की से स्टार्ट करता हूँ। पहले देखता हूँ इसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है, इसमें लाइट आ गई EPS की बन के, ये चली जानी चाहिए, मगर ये नहीं जा रही है, और इसका स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा है, हार्ड है स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा, और EPS की लाइट भी आ रही है, क्योंकि i20 की डिब्बी है। अब इसको बनाएंगे हम, i10 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अब ये आ गई हमारी i10 की डिब्बी, जिसमें हार्डवेयर, अब देखेंगे इसमें कितने नंबर की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये मॉसफेट छोटे वाले हमारे को ये लगाना है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे PF लगे हुए हैं, और रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, PF हो गई, और यहाँ पे भी PF हमें पूरा करने पड़ेंगे, दो बड़े वाले ये वाले PF पूरे करने पड़ेंगे। जितने भी PF, मतलब कहना मतलब जितना भी हार्डवेयर इसमें कम है ना, तो पहले इसके जितना भी हार्डवेयर कम है इसे पूरा करेंगे, फिर आपको चेक करवाते हैं कि हमारी डिब्बी काम कर गई है या नहीं कर रही, क्योंकि i20 की डिब्बी है ये। कभी को हमारे पास ऐसा होता है कि PB डिब्बी होती है और PA डिब्बी नहीं होती है, हमारे को i10 लगानी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास डिब्बी नहीं होती है, तो हम i20 की डिब्बी i10 बना करके लगा कर दे सकते हैं। अभी मैं इसमें हार्डवेयर पूरा करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारी डिब्बी काम कर रही है या नहीं कर रही है।
अभी जो हार्डवेयर ये वाला है उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो हार्डवेयर कर दिया मैंने इसमें पूरा आइटम की ना, जो आइटम में सारा हार्डवेयर था। अब इसको लगा के देखता हूँ जा करके कि हमारी डिब्बी काम कर गई नहीं कर गई, i20 की डिब्बी i10 में जो उसमें हार्डवेयर कम था जिसकी वजह से हमारा पिक्चरिंग काम नहीं करता था। ये डिब्बी लगा दी मैंने इसमें, देख सकते हैं टूटा कपलर वाली है डिब्बी है, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करके देखता हूँ, थोड़ी अंदर लगा दें, अंदर करते हैं कहीं टच होना होगा, ये शॉर्ट सर्किट ना हो जाएगा इससे, तो हमें इसको केयरफुली करना होता है, कहीं कोई कहीं ये वाली कहीं कुछ टच हो जाए, कहीं इसमें पैंडल में कुछ हार्डवेयर कहीं टच हो गया तो डिब्बी पूरी उड़ सकती है। तो इसे अच्छी जगह कहीं रोक देना है या तो हमारे को इसमें पैक करके लगा के चेक करनी है। चेक करता हूँ अभी स्टेरिंग इसका, ये अच्छी तरीके से फंसा दी है। अब इसे स्टार्ट करके देखता हूँ क्या पोजीशन है, लाइट जानी चाहिए। लाइट हमारी चली गई, बोरे वाह तो काम कर गया। मेरे तो दिमाग में कुछ और चल रहा था, काम नहीं करेगी, पर ये काम चल गई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी डब्बी थी कपड़ा टूटे हुए वाली, तो इसकी i20 की डिब्बी हमारी i10 में कन्वर्ट हो चुकी है, ये हमारी काम कर गई है। तो इसमें जो हार्डवेयर कम पड़ दी था मैंने उसको पूरा करके इसको i10 की डिब्बी बना दी i20 की टीवी में, इसका काम हमारा वर्क डन हो चुका है। डिब्बी निकाल ली इसमें से, तो ऐसे ही हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अभी टीवी की डब्बी नहीं है, i20 की डब्बी नहीं है और हमारे को ज़रूरत है i20 की डब्बी की, हमारे पास PA की डिब्बी रखी है i10 की, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करके i20 की डिब्बी i10 में चला सकते हैं और हमारा काम भी वर्क डन हो जाएगा। और जो आप डिब्बी डालेंगे उसमें i20 की डिब्बी बनाएंगे वो डिब्बी हमारी ओके होनी चाहिए। अगर हमारी डिब्बी ओके नहीं होगी, मान लीजिए मैं i20 की डिब्बी डाल रहा हूँ उसमें i10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो i20 की डिब्बी गाड़ी में काम ही नहीं कर रही है i20 में, तो वो काम नहीं करेगी। जब आपके पास ओके डिब्बी होगी ना i20 की, तो उसको आप i10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके डिब्बी को ख़राब डिब्बी नहीं होने की। तो ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई वीडियो डालते रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो कनेक्शन की डालने सोचता हूँ, मगर थोड़ा सा टाइम नहीं पाता है, मैं कनेक्शन की भी वीडियो डालूंगा कि कैसे कनेक्शन बनाए जाते हैं, क्या हम किसी भी गाड़ी में कभी फंसे ना, जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया एयरमास का, तो उसमें 5 तारे 6 तारे होती हैं, तो कौन सी तार पे हमारा 12 वोल्ट होता है, कौन सी तार पे 5 वोल्ट होता है, कौन सी तार हमारे सिग्नल की होती है, उस तरीके की वीडियो बना करके मैं डालूंगा। और हो सके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।